आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने कैंट स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का घेराव कर नारेबाजी करना शुरू कर दी, जिसके बाद एसआई रेलवे और आरपीएफ कमांडेंट मैफोर्स मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी करने वालों को खदेड़ दिया। आगरा कैंट स्टेशन आगरा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहां हर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं जाते हैं। बीते दिनों रेलवे और अन्य विभागों के निजीकरण के साथ कृषि बिल का विरोध हो रहा है। इसी को देखते हुए एसपी रेलवे मुश्ताक अहमद और आरपीएफ कमांडर पीके पांडा के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। डमी के रूप में कुछ लोगों को प्रदर्शन और बवाल करने के लिए आदेश दिए गए थे। के बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ कैसे बेहतर तरीके से ऐसे मामलों को हैंडल कर पाती है, उसकी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। जब यह मॉक ड्रिल चल रही थी तो लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक प्रदर्शन होना और फिर आरपीएफ और जीआरपीएफ के साथ आला अधिकारियों का पहुंचना देख लोग डर गए, लेकिन जब उन्हें एक मॉक ड्रिल की जानकारी हुई तब लोग रात की सांस ली। एसपी रेलवे मुश्ताक अहमद और आरपीएफ कमांडर पीके पांडा कहना था कि एहतियात के तौर पर तरह की मॉक ड्रिल की गई थी ताकि ऐसी स्थिति आने पर आसानी पैसा सके। हालांकि इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ खामियां भी नोटिस की गई हैं, जिन्हें ब्रीफिंग के दौरान दूर करने की बात कही गई है। होता है उसको लेकर के उन्हीं के प्रिपरेशन की जो है आज समीक्षा की गई, जिसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टियां जो है वो बनी हुई थी। जैसे एजिटेशन पार्टी जो है वो अलग से थी, जिसकी मांगे थी अपनी जो किसान बिल को लेकर के वो अपना एजिटेशन करना चाह रहे थे, ट्रेन रोकना चाह रहे थे। तो ये पूरा एक मॉक ड्रिल था, उसमें उनके द्वारा उनके अपने लीडर थे। फिर हमारी फोर्स भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जिसमें लाठी पार्टी, गैसगन पार्टी और राइफल पार्टी सारी पार्टियां वहां पर थी। उनके कमांडर थे, जीआरपी और आरपीएफ के सारे अधिकारी जो है यहां पे उपस्थित थे। उन सभी के माध्यम से उनको पहले समझाने का प्रयास किया गया। जो एक एसओपी इसके लिए निर्धारित है उसी के तरीके से जो है वो उनके द्वारा किया गया। फिर उनको पहले मनाया गया बातचीत के माध्यम से। जब वो वार्ता असफल हो गई उनके द्वारा, ये जो एक प्रैक्टिस में उनको सिखाया गया था कि आप जो है कुछ पत्थरबाजी जो है वो भी आप कीजिएगा, तो उस समय हम पुलिस का रिस्पांस जो है कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के आगे की उचित विधिक कार्रवाई जो है वो करने के लिए एक हमने मॉक ड्रिल करवाया था, जिसमें कुछ कमियां रही हैं उसको जो है अभी डिब्रीफिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा। ये पूरा आज का एक मॉक ड्रिल था। ये भारत में कई जगहों पे इस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं निजीकरण और बाकी चीज़ों को लेके, तो उसको देखते हुए ही पिछले काफ़ी समय से आगरा कैंट स्टेशन में इस तरह की कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। और मैं आरपीएफ और जीआरपी दोनों की टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया कि अगर आगरा डिवीज़न में आगरा कैंट स्टेशन या अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इस तरह की अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें क्या रिस्पॉन्स पुलिस पार्टी का रहना चाहिए, आरपीएफ का और बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए, इसके लिए टाइम टू टाइम हम लोगों ने अपने स्टाफ को एसओपीज भी उपलब्ध कराए हैं कि जिसमें आरपीएफ की क्या ड्यूटी रहती है, पुलिस की क्या ड्यूटी रहती है, रेलवे एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटी रहती है, पब्लिक की क्या ड्यूटी रहती है, जो ट्रेन चलाते हैं रोलिंग स्टॉक एम्प्लॉयज़ उनकी क्या ड्यूटी रहती है। तो उन ड्यूटीज़ को ही देखते हुए आज एक एजिटेशन की अगर कोई घटना घटित होती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, उसके लिए ये कार्रवाई की गई है।